Our speaker here today has relied on sustainable, innovative, and green solutions to not, only balance, uh, to not only battle challenges put forward by harsh climate, but also a lack of infrastructure and other economic resources. His organisation, Aware, which stands for Applied Education, Water, and Renewable Energy, is holding true to its name by turning lives around in Thar village by village. I would please like all of you to welcome the visionary director of Aware. अली अकबर रहीमो। खुतिन वजरात को असल जैसे तारफ हो चुका है मेरा नाम अली अकबर है और मैं थर पार्कर से हूँ हम वहाँ काम करते हैं मुख्तलफ हवालों से लेकिन उसमें ख़ास तौर पर जो आज का टॉपिक है कि थर के हवाले से काफ़ी बात हो रही है आजकल भी वैसे भी लोग जो जानते हैं वो हज क्लाइमेट की वजह से समझते ये हैं कि वीराना है रेगिस्तान है और वहाँ कम सहूलियात हैं ये सारी बात अपनी जगह पे ठीक है और उसमें काफ़ी सदाकत है लेकिन वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को बरूकार लाते हुए आ, उनको इस्तेमाल करते हुए अच्छे काम भी हो रहे हैं और उसमें चंद एक आ, हम भी आ, ये हम चाहेंगे कि आप तस्वीर शेयर करें और फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर हों जो फीडबैक हो तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे आ, आज का जो टॉपिक है आ, जो प्रेजेंटेशन में आपको नज़र आ रहा होगा वो है ग्रीन सॉल्यूशन फार्थर। पार्कर जो डिस्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और इस स्लाइड में आपको जो चंद एक चीज़ें अहम है, हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि थरपार्कर वीराना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद इंसानों की वहाँ रहती है और एट एंड एवरेज 76.3 सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट्स रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में एट एंड एवरेज और थरपार्कर में लाइव स्टाक हेड्स पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा थरपार्कर में तो एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 380 जानवर रहते हैं और थरपारकर के अंदर सिंध प्रावेंस के 15 परसेंट लाइव स्टाक हेड्स थर में होते हैं जो न कि वहाँ के लोगों की ज़रूरियात रोजमर्रा पूरा करने में काम आते हैं बल्कि हमारी नेशनल इकनॉमी में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी गोश्त खाल वग़ैरह की नीड को पूरा करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट होता है अब वहाँ की जो इकोलॉजी है और ख़ास तौर पे जो ड्राउट्स की इंक्रीज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी, उसमें एक स्क्वायर किलोमीटर में सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री और थ्री एटी लाइफ स्टाक हेड्स का रहना या सर्वाइव करना एक चैलेंज बन गया है और उसमें ख़ास तौर पे आ, जो इशू पैदा हुआ है वो है ड्राउट्स की आ, जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से यहाँ कुछ हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है कि गुज्तर 115 सालों में आ, जो है वो ड्राउट्स के जो रिकॉर्ड है वो 73 है मतलब 115 सालों में आ, 73 थ्री ईयर्स जो है वो ड्राउट आया थर में रिकॉर्ड किया गया है और लोकल कहावत ये है आ, लोगों का अपना मैरा चीज़ों को देखने का कि एक कैद आने से थर की मजमू सूरत इकनॉमिक और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पाँच साल पीछे हो जाता है या उसमें जो है असेट्स में और इनकम में कमी आ जाती है दूसरी जो बात है वो अहम चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें ट्रगर हो रही हैं या उसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ रही है मिसाल के तौर पर हमारे पॉलिसीज़ और जो यहाँ प्रैक्टिस मौजूद हैं उसमें ड्राउट की डेफिनेशन कुछ और है और जो चेंजिंग सीनरी है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटेंसिटी आई है तो उसके डायमेंशंस और चीज़ें जो है उसकी इश्यूज़ की इंटेंसिटी चेंज हो गई है और उस वजह से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट तकरीबन अभी तक भी डिनाई कर रही है कि ड्राउट नहीं है हालांकि बारिश न होना या होना एक उसका इंडिकेटर नहीं है लेकिन बारिश कम हो डिलेड हो एरेटिक हो तो भी ड्राउट को ट्रिगर करती है या ड्राउट के जो चार रिकगनाइज एकसाम हैं हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल एग्रीकल्चर सोशो इकनॉमिक तो उसमें एक या दो या चारों भी यकमुश्त अक्कर हो सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें हमारे स्टेट के पास या इधारों के पास नहीं हैं इस वजह से वो डिनई कर भी रहे होते हैं और वो रिकॉर्ड भी नहीं होती है। दूसरी बात जो है जैसे मैंने पहले कहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से डाउट की चीज़ें अफेक्ट हुई हैं ख़ास तौर पर जो ट्रेडिशनल उनके जो रिसोर्स थे सर्वाइवल के वो शेंक हुए हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और उसकी उसकी वजह से लाइव स्टाक और वहाँ की वाइल्ड लाइफ वो भी मुतासर हुई है उसके साथ जो मेन चीज़ है थर के अंदर जो फूड चेन है वो लाइव स्टाक बेस्ड है और ये शायद ही पाकिस्तान का वाद ख़ा है जहाँ लाइव इस्टाक लोगों का सोर्स ऑफ न्यूट्रेशन भी है उससे वाबस्ता सोर्स ऑफ इनकम भी है और असेट भी है वहाँ के लोगों के कोई बैंक में या इस तरह के रियल इस्टेट या कैश शेयर्स वगैरह नहीं है, वो लाइव इस्टाक ही ज़्यादा होता है और हत्या जब बच्चियों की शादी होती है तो उसको तो जहज़ में भी जानवर ही दिए जाते हैं तो ये उससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो जब फूड चैन उस पर डिपेंडेंट और कहते आता है तो वो बड़े डायरेक्टली अफ़ेक्ट होते हैं लोग और जब इसके नतीजे में जो फ़ूड इनसिक्योरिटी पैदा होती है तो उनकी हेल्थ और उसकी बीमारियों से और ये जो चीज़ें अभी आप सुन रहे हैं मीडिया पे ये सारी उसी वजह से हैं वहाँ के हवाले से डेवलपमेंट जो राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं कि रोड तो बड़ी अच्छी बनी हुई है और ये टीवी में कभी कभी दिखाते भी हैं खासतौर तो पर गवर्नमेंट लेकिन थर का बंदा जो ऊँट पे जा रहा है और जिसके पास कुछ है तो वो कार में जा रहा है और जो राइट साइड पे जो वर्ल्ड वार टू में ट्रैक्स हमारे यहाँ आर्मी के पास आए थे तो वो जब नीलाम करते हैं उनके काम के नहीं रहते तो उसके अल्ट्रेशन करके थर के लोग जा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है आ, वो अगर वहाँ एक तो रोड नहीं है और उसका सॉल्यूशन वही है जिसको हम केकड़ा कहते हैं क्योंकि केकड़े की रफ्तार से चलता है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरा जो अहम इशू है वो ड्राउट की वजह से भी और रोटन में वो वाटर की अवेलेबिलिटी, एक्सेस और क्वालिटी का इशू होता है और एट एन एवरेज आ, एक घराने के तीन अफराद को तीन से पाँच घंटे रोज़ सर्फ़ करने होते हैं एट एन एवरेज आ, पानी की तलाश में ये भर के घर ले आने तक और वो उसमें ख़वान और बच्चे जो है आ, वो ज़्यादा सफ़र करती दूसरे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पिक्चर्स डाउन आ, राइट साइड पर जो है कुआं जितना नीचे होगा उतनी रस्सी उसकी जो है ना लबी होगी और उसकी खींचाई के लिए फिर उसमें बकेट में किस तरह पानी आता है किस तरह जानवर आप काफ़ी लोग थर शायद गए भी हों या देखा हो मीडिया पे बड़ा एक तकलीफ दे होता है आ, फिर जो उसको मतलब उसकी जो फैचिंग है ख़ातिन सर पर मटके भर के ले जाएँ या ऊँटों या गधों पर उसमें बकेट्स में भर के लोग पानी ले जाते हैं आ, बहुत दूर तक जब क़ैत आता है तो क़ैत क्रोनिक है आ, उसके आस्ते असरा जाहिर होते हैं और क्योंकि ये बाकी फ्लड वग़ैरह या अर्थ को किस तरह से फ़ौर नहीं कर होता उसकी तबाहियाँ फ़ौन नज़र नहीं आती तो इसीलिए उसका जो धीरज से जो असर हो रहा होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे दमक लकड़ी को खा रही होती है अचानक पता लगता है कि वो लकड़ी जो है वो मिट्टी में तब्दील हो चुकी है तो थर के अंदर आप देखेंगे कि मीडिया मुख्तलफ़ अवका पर रिपोर्ट करता रहा है कि पहले भेड़ों में बीमारी थी मोरों में बीमारी थी फिर बच्चों के अमवा रिकार्ड हुए तो ये साइकिल होता है पूरा और आते आस्ते उसके इंडिकेटर रिपोर्ट भी होते रह, रहे हैं लेकिन हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे जो साब इख्तियार हैं आ, उनकी गफलत की वजह से चीज़ें बढ़ भी गई हैं लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इसको ट्रिगर करता है ड्राउट और क्लाइमेट चेंज इसमें आप देख रहे हैं आ, यहां आ, कि मोर यहाँ की बहुत मतलब एक निशानी भी है और उसकी खूबसूरती मशहूर है आ, एक साहब ने लिखा था कि थर में बच्चों जैसे मोर और मोरों जैसे बच्चे मर रहे हैं तो लोग मोरों को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं क्योंकि जब आप किसी से वो कुदरत के जो नेचर का सिस्टम उसे बहुत करीब है किसी आम थरी से पूछें घर में कितने अफराद हैं तो जब गिनवाएंगे तो उसमें ज़रूर या दो बकरियां गिनवा लेंगे या एक ऊँट गिनवा लेंगे या दो मोर गिनवा लेंगे कि हम घर के अंदर इतने अफराद हैं तो वो जब मर रहे थे तब भी आ, बहुत कम नोटिस लिया गया था और बाद जाके फिर बच्चों की अम्बा तक पहुँची अब आते हैं इस पर कि जो क्लाइमेट चेंज है और ड्राउट का इफेक्ट की जो डायरेक्टली कंसर्न है वो है वाटर के हवाले से और थर में उसकी तीन एंगल हैं या ती, तीन हैं या उसके तीन डायरेक्शन या डायमेंशनस हैं जिसमें देखने की ज़रूरत है एक अवेलेबिलिटी दूसरा एक्सेस और थर्ड वन क्वालिटी हमने जो छोटा मोटा काम किया है और ये हम कत्ता नहीं कह रहे कोई आ, हम कोई बड़ा इनकलाब लाएं लेकिन जो तजर्बात किए हैं उस तजर्बाद की रोशनी में ये इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि स्टेप्स या काम को थोड़ा समझने में आसानी हो तो जो अवेलेबिलिटी का इशू है उसमें रेन वाटर हारवेस्टिंग और डगवेल्स वगैरह पे काम किया है और वो जो थर को सिर्फ एक इलाका नहीं है इसके बेसिकली नाइन पार्ट्स हैं तो उन सब के अंदर इशू अपनी अपनी इंटेंसिटी से मुख्त लेवल पे मौजूद है लेकिन उसमें काफ़ी जगहों पे अवेलेबिलिटी का इशू है और उसके कुछ ये सोल्यूशन हैं मजीद हो सकते हैं लेकिन हमने जो तजुर्बाद किए हैं उसकी रोशनी में बता रहे हैं दूसरा जो इश्यू है वो एक्सेस का है क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है पानी के जो अवेलेबल है ग्राउंड वाटर वो आप देखेंगे कि, कि साउथ में 10 से 45 फीट पे मिल रहा है लेकिन नॉर्थ में आ, जो छाछरों गढ़ों की इलाके में 350 फीट पे पानी है तो 350 फीट से पानी निकालना नॉट एन ईजी जॉब जैसे मैंने पहले कहा कि 50 फीट से ज़्यादा जो कुएँ डेप्थ हो इन डेप्थ ज़्यादा है उसके लिए आ, चार खोते हों एक ऊँट हो या दो बेल हो तो उसकी मदद से पानी निकाला जा सकता है और तीन से पाँच घंटे जो एक घर के तीन अफराद के एटन एवरेज लगते हैं तो उसमें ना सिर्फ टाइम लगता है बल्कि एनर्जी और लोगों को उसमें जो स्पेंडिंग होती है टाइम की और एनर्जी की वो अफेक्ट करती है और वो कोई और प्रोडक्ट काम नहीं कर पाते या कम कर पाते हैं अब आते हैं इस पर थर को जैसे मैंने पहले कहा कि लोग समझते हैं और है भी सही कि इन दोनों तो बहुत तेज़ तूफान गर्म हवा के लग रहे हैं और वो जो तूफान हो रहा है उसके साथ मिट्टी भी उड़ती है और ये साइंटिफिक उसूल है जब कैद पड़ते हैं तो वेजिटेटिव कवर कम हो जाता है और जब वेजिटेटिव कवर कम होता है सन आ, रेज जो है डायरेक्ट सेंट पर पड़ते हैं तो जल्दी जो है हवा गर्म होती है और हवा गर्म होती है तो वो ऊपर जाती है और उसको फिल करने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं और वो जितनी स्पीड से आएंगी उतनी डेजर्टिफिकेशन बढ़ाएगी तो ये थर के अंदर जो है एक दरख्त की तस्वीर है छाछरों के इलाके की आप देख सकते हैं कि, कि कितनी डेजर्टिफिकेशन बढ़ गई है या वो लेयर जो है फर्टाइल लेयर उड़ गई है ज़मीन बैरन हो रही है अब इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है या हमने देखी तो उसको कैसे हमने आ, किया आ, वो ये किया कि आ, इसी विंड को विंड वेलासिटी को आ, इस पर रिसर्च की और 2006 में पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में उसमें भी प्रजेंट किया और उसी बिना पे जो है उस रिसर्च को बेस बनाते हुए पायलट किया विंड मिल्स लगाई हैं विंड टर्बाइन भी लग सकते हैं लेकिन हमने विंड मिल्स लगाई हैं अंडरग्राउंड पानी को बाहर ले आने के लिए ये राइट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं आ, ये उससे पहले किए जब रूटीन में तो थर ऐसे ही होता है अब जब विंड मिल लग गई तो उससे जब आबादी थोड़ी बहुत हुई तो आप लेफ़्ट साइड में देखें कि वही ज़मीन कैसी हरी भरी हो गई है इकबाल साहब ने खूब कहा था कि ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी जरख़ेज़ की ज़मीन के अंदर वो मुथर वीराना इस तरह से नहीं है बंजर बिल्कुल ख़त्म नहीं है उसके अंदर फर्टिलिटी है और उसकी पिक्चर सामने इस पर कोई फर्टिलाइज़र कोई पेस्टिसाइड कोई अदर इनपुट नहीं है सिर्फ नेचुरल आर्गनर की यह चीज़ें हुई हैं फिर ये एक और विंड मिल हमने लगाई थोड़ा बहुत किचन गार्डनिंग और इसके हवाले से तो उस पर भी चीज़ें लोगों ने उगाई फिर इसका आप लेयर दे सकते हैं कि ऊपर अगर तीन चार साल ये दो में विंड मिल लगी थी और चार साल के बैद की पिक्चर है कि उसका ज़मीन का टेक्स्चर ही चेंज हो जाता है और जरखेज़ हो जाती है अगर ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाए क्योंकि एग्रीकल्चर का रिजल्ट जो है वापस ज़मीन में जाता है तो उसकी फ़र्टिलिटी बढ़ती है फिर ये आयल सीड्स जो आप सरसों का वो देख रहे हैं जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी अच्छी फसल हुई है ये उसी विंड मिल पर हुई है ये मूँग और मूली और इस तरह के मुख्त तजुर्बा की है उसमें कुछ कामयाब हुए कुछ नहीं भी हुए लेकिन अक्सर मतलब एवरेज निकालें तो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग हमें रिस्पॉन्स मिला कि इसी पानी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं फिर मूंगफली का बारिश के पानी पे भी इस साल लगाई थी हमने उसका भी रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया कुछ न्यू वैराइटीज़ जो हैं आ, ट्रेडिशनली थर में ग्वार और बाजरा होता है इसकी वैराइटीज़ हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में तजर्बात हुए हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर बावलपुर की साइड चोलिस्तान में भी तो वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें लीं और यहाँ लगा के देखी तो वो भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट उसका मिला है फिर जो हवा के बाद थर के अंदर जो सनशाइन ज़्यादा है रोशनी ज़्यादा है जिसकी वजह से गर्मी होती है उसी को हारवेस्ट किया और उसको आ, सोलर पीवी पैनल्स के ज़रिए उसको हनेस करके आ, उसको पानी के हवाले से आ, तीन सौ साढ़े तीन सौ फीट तक बीकुओं से पानी आ, निकाल रहे हैं और वो ग्रेविटी फोर्स से सप्लाई हो रहा है घरों तक वो न सिर्फ पीने के लिए ना सिर्फ जानवरों के लिए आ, लेकिन घरों में किचन गार्डनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है इसमें इनोवेशन ये है कि इसमें आ, एक तो ये है कि बैटरीज नहीं है टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है लेकिन इनोवेटिवली इस तरह से इस्तेमाल किया है कि कुओं से पानी निकल रहा है ओवर टैंक में जा रहा है ओवर से फिर ग्रेविटी फोर्स के थ्रू आ रहा है हर घर तक अब क्योंकि हम समाजी तंजीम है आ, हम आ, कोई गवर्नमेंट या इस तरह से हमारा कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है तो कम्युनिटी को इंक्रेज करते हैं कि वो अपना जब यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र फी या कुछ चार्जेस दें और उसको कंट्रीब्यूट करके चलाएं उसको सस्टेन करें तो हो ये रहा था कि रेत के टैलों पे घरें कुछ ऊपर थे कुछ नीचे थे तो नीचे ढलान वाले थे उनको तो प्रेशर से पानी मिल रहा था लेकिन जो उनके ऊपर घर थे उनको तकलीफ हो रही थी या कम पानी मिल रहा था तो फिर हमारी टीम ने वाटर मीटर इंट्रोड्यूस कराए अब जो रीडिंग जितनी होती है उसी हिसाब से हर घर का मीटर लगा हुआ है और उस पर गाँव की तंजीम जो है वो चार्जेस कलेक्ट करती है और उससे अपना सस्टेन करते हैं आ, आ, उसको रिपेयरमेंट जो भी है तो इसमें वाटर मीटर्स को इंट्रोड्यूस कराया और इस मॉडल को हमने सेवन्थ वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ था साउथ कोरिया में उसमें भी प्रेजेंट किया था इंटरनेशनली ये इस तरह से घर होते हैं और फिर आप देख रहे हैं ये घर ऊपर हैं तो टैंकी जो है इनसे ऊपर बनानी पड़ती है वाटर सोर्स पानी मीठा वहाँ था तो इसलिए नीचे वो लगाए और फिर लाइनें हर एक घर को जा रही हैं वो जो पहले आपने एक बच्ची देखी थी सर पे कैसे मटका या वो लेके जा रही थी बकेट तो इसके बजाय घर में नल में आ, पानी मिलता है तो ये बच्चे जो पानी निकलने निकालने की मशक्कत करते थे वो अब इजीली स्कूल भी जा सकते हैं अक्सरत स्कूलों में जो है इनमेंट बढ़ी है फिर लिए लोगों ने खुद किया कि घरों के अंदर सब्जियां उगाईं और हमने थोड़ा सा इनपुट ज़्यादा दिया कि जो है उसमें प्याज भी होता है और अपना पालक गाजर मूली ये सारा लोग उन घर घरों में लगाए और गुजत साल जब एक तरफ मुजाहरे हो रहे थे कि थर में बच्चे मर रहे हैं नो डाउट ये इशू था लेकिन कुछ जगहों पे ये लोग खुद ही सब्जियां उगा के और सेहतमंद मतलब ज़िंदगी गुजारने के काबिल थे फिर ये क्योंकि फ्लड इिगेशन कर रहे थे तो उसमें छोटे छोटे ड्रिप इरीगेशन के मॉडल वाटर इफिशेंट यूज़ के लिए वो मुतारफ़ कराए गए और फिर ये लोग खुद ही सिस्टम देने तक तो हम करते हैं सपोर्ट लेकिन फिर कम्यूनिटी खुद करती है आ, ये उसके ऊपर लोकल चीज़ें बुवाई गई हैं फिर जो प्लांटेशन जो बारिश लाने का सबब भी है तो वो स्पीसीज जो कम पानी जिनको दरकार होता है जहाँ सोलर पम्प्स और पानी इजीली अवेलेबल है वहाँ प्लांटेशन भी करते हैं उसको फिर एजुकेशन से भी किया है और आ, उसको बच्चों को पर प्लांट पर डे भी कुछ इंसेटिव मिलता है ताकि उस इलाके में ग्रीनरी बढ़े उसमें वेजिटेटिव कवर बढ़े थर्ड वन जो एस्पेक्ट था वाटर क्वालिटी का उसके हवाले से जो है वो आ, रिवर्स आसमोस सिस्टम भी लगाए गए उसमें पहले डीजल ऑपरेटेड थे लेकिन अभी हम सोलर पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं वाटर मोबाइल वाटर प्योरीफे प्लांट भी उस पर हमने काम किया था लेकिन uh, कुछ बिना पे वो uh, थर में नहीं जा सका लेकिन अब दोबारा प्लान है कि उसको हम थर में ले जाएं अब इन चीज़ों को हवा और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए पानी की मौजूदगी उस तक रसाई uh, को बेहतर बनाते हुए पीने का पानी और किचन गार्डनिंग और प्लानेशन का जैसे मैंने जिक्र किया उसके साथ जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो है एजुकेशन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कितनी भी बाहर से चीज़ें ले आ देते रहें और तो वो मतलब आ, लोग आ, इस में लग जाते हैं कि हमें उसमें वो आदि हो जाते हैं या उसको ये होता है कि बाहर से ले आ को, कोई हमें चीज़ देगा उसकी अपनी रिजिलेंस नहीं बढ़ती आ, वो अपने पाँव पर खड़े नहीं होते तो हमारा ये तजर्बा कहता है बीइंग ए थरी और बीइंग ए एक्टिविस्ट हमने ये करके देखा है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर एजुकेशन है तो ये बाकी चीज़ें भी समझ में आएंगी और लोग करने भी लगेंगे और उसमें फार्मल इन फार्मल दोनों तो एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम ही ग्रीन स्कूल है तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक टिपिकल स्कूल मैं भी इसी तरह के स्कूल में पढ़ा हूँ पाँचवीं तक खैर अभी तो मेरे गाँव में कुछ ज़्यादा तैलीम हासिल करने के मौाक़े हैं लेकिन उस वक्त सिर्फ पाँचवीं तक था तो अक्सर ऐसे रेत पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं या दरख्त के साय में प्रचर ये, ये तो खैर अभी की है लेकिन आ, खाली आ, हम जब पढ़ते थे तब ये ढाई किलो और पाँच किलो के घी के डब्बे खाली हैं वो मिलते थे उसमें हम जो है पानी भर के ले आते थे अपने इस्तेमाल के लिए अब तो ये मिनरल वाटर की और ये खाली बोतलें जो एक एक रुपये की बोतल मिल जाती लोग ऐसे भी ले आते हैं तो बच्चा या बच्ची जो स्कूल आएगा वो साथ अपना पानी की बोतल भर के ले आएगा तो अब स्कूल में जो बच्चों के इनोलमेंट कम होना या ड्रॉप आउट ज़्यादा होना या उसके जो वजूहत पे हमने रिसर्च की तो पता लगा कि एक जो है वो वाश फैसिलिटी ना होना और वाश फैसिलिटी इसलिए नहीं है कि वहाँ पानी नहीं है तो उसको वो बड़ा एक रुकावट थी तो उसके लिए भी काम किया गया और इस ग्रीन स्कूल के अंदर वो तमाम वजूहत को ख़त्म मतलब इस जो बन रहे थे मसाइल आ रहे थे उनको ओवरकम करने की कोशिश की गई मिसाल के तौर पर जो भी बिल्डिंग नहीं थी तो उसको थर या ट्रेडिशनल जिस तरह होते हैं हमारे चौरे और हट्स उस तरह की एक बिल्डिंग बनाएगी और जहाँ बिल्डिंग थी उसको रेनोवेट किया गया फिर सोलर पावर्ड जो है आ, पानी का बंदोबस्त भी और देन पंखे और कंप्यूटर भी और फिर जितने बच्चे हैं उनको उतनी रिचार्जेबल लाइट्स दी गई हैं तो बच्चा जब सुबह स्कूल आए तो लाइट चार्ज पे लगाए छुट्टी हो तो घर ले जाए ताकि घर में रोशनी मिल सके शाम को भी कुछ काम कर सके क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है तो ये पूरा एक कम्प्लीट मॉडल बना जिसमें रेसो सेंटर भी है बच्चों के बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो ये उसमें कुछ हैं ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जो हट हाँ, ऊपर हाँ, जो थेस्ड है लेकिन दीवारें पक्की हैं ये थर का ट्रेडिशनल जो एक आ, लुक उसी हिसाब से हमने स्कूल बनाए और वही पिक्चर है नीचे जो आप देख रहे हैं कि पहले ये थी और फिर बाद में कैसे इम्प्रूव हो गई और ये अगेन सोलर पावर है जैसे जिक्र किया आ, ये उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की पिक्चर्स हैं और कंप्यूटर भी इसी से चलता है और फिर क्योंकि कंप्यूटर हम इसी पर दो ही चला सकते हैं हमने ज़्यादा नहीं लगाए लगाए जा सकते हैं यह तजर्बा था और ये हम चौदह स्कूल इस तरह के बना चुके हैं तो उसमें यह कि बच्चियों के लिए अलग टाइम रखते हैं बच्चों के लिए अलग ताकि वो खुद आ, सीख सकें प्रैक्टिस कर सकें क्योंकि कंप्यूटर काम है आ, फिर उनके एक्टिविटीज़ के लिए क्योंकि अक्सर बच्चों के पास थर में जूते नहीं होते तो स्कूल के अंदर एक पक्का प्लेटफार्म बना जहाँ पर वो गेम्स वगैरह कर सकें आ, फिर उनके रिसोर्स सेंटर के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसपे पहले तो थर में जैसे मिसाल के तौर में अपनी बताऊँ हम जब छोटे थे तो माँ सबसे बड़ी दुआ देती थी थी कि आप पुलिस के सिपाही बनोगे या टीचर बनोगे उससे जब बड़ी कोई दुआ थी नहीं उनके पास क्योंकि उनको पता ही नहीं था तो हम कोशिश करें कि थर के बच्चों को आ, हमारी आइंदन असल को कम अज़ कम दुनिया का बता सके कि नहीं आपके सिर्फ किस्मत में ये नहीं है कि कैद पढ़ते रहेंगे आप बादल के आशरे पर होंगे या किसी की बीक गंदम की बोरी गवर्नमेंट की आश्रय होंगे या जो है वो सिर्फ आप यही कर सकेंगे कि आप टीचर बने या कहीं जाके पियान बने आप डॉक्टर भी बन सकते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ और चीज़ें वो कराते हैं और ये जो चीज़ें हैं इश्यूज़ के पीछे जो फैक्टर्स हैं और जो एक्टर्स हैं उसको नमाया करने में या उसको या करने में या उस मिथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं ये जो मैं जिक्र कर रहा था कि लाइट्स जब बच्चे घरों में ले जाते हैं तो फिर रात को पढ़ते हैं उनको रोशनी में एक उसी की पिक्चर है मुख्तर क्योंकि टाइम की शार्टेज अपनी जगह पे मैं लास्ट स्लाइड है कि थर डेजर्ट नहीं है थर डेवलप हो सकता है उसकी अपनी ब्यूटी है उसका कोई बदल नहीं और उसके अंदर जो रीन्यूबल एनर्जी है उस सोलर और विंड और जियो इसको बरुए कर लाते हुए पानी को अगर हम अवेलेबल कर दें तो लोग इस क्लाइमेट चेंज को एडाप्ट करेंगे उसकी रिजिलेंस बढ़ेगी एडप्टेशन होगी इन चीज़ों की तो आ, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो बे मौत नहीं मरेंगे और जो एजुकेशन है और उसमें भी आ, मतलब उनको अप्लाइड एजुकेशन वो मिले आ, तो इन अप्रोप्रियट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आ, और अप्लाइड एजुकेशन हो तो वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और रिजिलेंट कम्युनिटीज बन सकती हैं क्योंकि ये 52 विलेजेस में हम कर चुके हैं दूसरी बात ये कि थर को को तरक्याती मनसूबे चाहिए ना कि रिलीफ बेज जो रिवायती गंदोम आटा या जो भी भेज रहे हैं फ्री में वो चीज़ें नहीं चाहिए बल्कि अपने पाँव खड़े करने के लिए चाहिए चीज़ें चाहिए उसके लिए अरेंजमेंट्स चाहिए उसके लिए प्लान्स चाहिए ताकि वो भीख मांगने या किसी के इंतजार में ना बैठें बल्कि खुद करें ये क्यों हो सकता है या कैसे हो सकता है एक तो ये हमने मिसालें दी लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हो भी चुका है तो उससे उनसे भी अच्छी बात लर्न करने में कोई हर्ज नहीं है हम उनसे भी सीखें तो वो कर चुके हैं उसके लिए चाहिए जो मेन चीज़ वो फाइनेंशियल रिसोर्स टेक्निकल वैध के हैं लेकिन पहले माइंड सेट पहले नीयत चाहिए और वो अरबाब इख्तियार की तो हम ये समझते हैं कि ये मॉडल्स जो हो चुके हैं इनको तजर्बात को बरएकार लाते हुए इसको बेस बनाते हुए हम थर को एक ग्रीन डेजर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वक्त जो बयाबानी और जो वीरानगी का कॉन्सेप्ट है उसको 100 परसेंट हम तब्दील कर सकते हैं था रिच है इन रिसोस में इसको समझने की ज़रूरत है न सिर्फ थर के लोगों के लिए लेकिन जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे लाइव स्टॉक में और आर्गे फूड में बाकी नेशनल इकोनॉमी में तो ये सारे मुल्क लिए बेहतर होगा ये लास्ट स्लाइड थे क्वेश्चन आंसर जो भी मुंतजमीन पे वो कैसे रखते हैं आ, आपका ग़ौर से सुनने का शुक्रिया